हेलो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन इज क्रिएटेड दी कॉटन मिल कॉटन मिल किसने क्रिएट की थी लेट्स सी द ऑप्शंस ऑप्शन इज रिचर्ड ऑक्रेड ऑप्शन बी इज विलियम्स ऑप्शन सी इज न्यू कॉमन एंड ऑप्शन डी इज जेम्स वॉट की कंसेप्ट देख लेते हैं की कंसेप्ट इज न्यू इनोवेशन एंड इन्वेंशन न्यू इन्वेंशन और इनोवेशन हो रहे थे रेगुलरली जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं तब हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा मशीनाइजेशन होता है और रेगुलरली ऐसे रेगुलरलीस और इनोवेशन स्पीडअप कर देते थे लेट्स सी द आंसर रिचर्ड ऑक्राइट क्रिएटेड कॉटन मिल ब्रिंगिंग होल प्रोडक्शन प्रोसेस अंडर वन रूफ एंड मैनेजमेंट दिस बूस्टेड प्रोडक्शन प्रोसेस रिचर्ड ऑक्राइट ने कॉटन मिल क्रिएट करी थी और कॉटन मिल के क्रिएट होने से जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है कॉटन क्रिएशन का जो प्रोसेस था जो पहले डीसेंट्रलाइज था अलग-अलग जगह पे हो रहा था उसको एक रूफ और एक मैनेजमेंट के अंडर ले आते हैं जिससे कि प्रोडक्शन प्रोसेस को बूस्ट मिलता है और ज्यादा प्रोडक्शन होने लगता है सो आर फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए रिचर्ड ओक्राइड आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक